देखिए, जैसे बर्तन पे होती है कलई, है बर्तन कोई भी हो ऊपर तुरंत हो जाती है कलई, वैसे हमारे खाने के साथ जो शब्द यूज होता है वो है मुगलई। है मुगलई तो हम ऐसे यूज करते हैं, खाना कोई भी हो ढेर सारा, उसमें काजू पेस्ट, बादाम पेस्ट, क्रीम डाल दो और बोल दो मुगलई। पहली चीज़ तो ये मुगलई कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है मुगलिया। दूसरी चीज़ ये कि एक बढ़िया सी मुगलई चिकन की रेसिपी आपके सामने वाली है, उसमें क्रीम तो नहीं है और काजू भी ऑप्शनल है। अब बताइए, अटका दिया मैंने ऐसे। अब म्यूजिक के बाद मिलते हैं। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये रणवीर बरार केंद्र है। घड़ी मिलाएं, शाम के 8:10 होने को हैं और अब शुरू करते हैं चिकन मुगलई। लोग जो है नाम दे देते हैं, मुगलई हांडी, मुगलिया हांडी, ये सब वो सब। हम इसको बोलेंगे चिकन मुगलई और रेसिपी आपको ऐसी देंगे कि एकदम से एक बार में बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये टंगड़ी जो चिकन की है ना, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के ये जो इसका धागे वाला हिस्सा है वो अलग कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये जो बीच का धागा है ये पूरे चिकन को ऐसे खींच लेता है, ये हमको नहीं चाहिए। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो मैरिनेशन बना लेते हैं साथ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मुगलई बनने वाला है, और जिसमें आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा रेस्टोरेंट शेफ्स की तरह कि जी इसको हम 20 घंटे पकाते हैं और इसमें 40 तरह के मसाले जाते हैं और ये और वो। मतलब रेस्टोरेंट शेफ जो है ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब सिंपल रेसिपीज टेस्टी होती हैं। सिंपलेस्ट रेसिपीज आर द टेस्टीएस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है, और दही। ये दही जो है खट्टा नहीं होना चाहिए साहब, ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसके बाद मसाले और खुशबू का गर्म मसाला ऊपर से पड़ेगा। आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बनाएंगे तो उसमें 3 मसाले ज़रूरी हैं। हल्की सी मैच बना ही देता हूँ, क्या है, कितनी देर लगती है। देखिए रुकावट के लिए खेद है, मगर मेरी फिरनी ख़त्म हो गई। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। वापस रेसिपी पे, मुगलिया खुशबू का गरम मसाला भी आप सीख जाएंगे, मुगलई मसाला। सब हो गया, तला हुआ प्याज रह गया बस। तो तले हुए प्याज के लिए आपको चाहिए प्याज, जिसको आप 1/2 करके रख लें। 1 किलो चिकन है, तो 1 किलो चिकन में आप समझ लीजिए कि 3 से 4 बड़े प्याज या 4 से 5 मीडियम प्याज। ठीक है, तो कर लें स्लाइस। बाकी रोने वाला प्रोग्राम तो है वो, तो हमारा रिश्ता कभी नहीं प्याज के साथ टूट सकता। ओहो, कुछ हमारी आंखें कमज़ोर हैं, कुछ प्याज तीखा है, रोना रुलाना चलता रहता है साहब। देखिए प्याज जब आप डालेंगे तो एकदम से पानी की भाप आएगी, हाँ हाथ जल सकता है, इसलिए थोड़ा प्याज ऊपर से डालें। प्याज जो पानी छोड़ता है ना एकदम से भाप बनाता है, और बहुत सारा प्याज एकदम से ना डालें, बिकॉज तेल आ जाएगा बाहर, आपको लग जाएगी चोट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर पहले ही बताते थे सेफ्टी वाली बातें, आप सुनते नहीं है, सुनते नहीं है लोग। जैसे ही रेसिपी शुरू होती है हम बता देते हैं कि देखिए इस विमान में एग्जिट गेट सामने के 2 और पीछे के 2 हैं, कभी भी निकल सकते हैं आप, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। निकास द्वार बोलते हैं इसको, निकास द्वार। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, बेसिकली आप प्याज डालेंगे तो तेल एकदम से उफान मारेगा, लेकिन तेल एकदम से ठंडा भी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हॉट ऑयल में डालें प्याज, अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो बहुत जल्दी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तेल। और पिछली बार मैंने ये बताया तो किसी ने लिखा कि नहीं 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 प्याज डाल के तेल को मीडियम कर दीजिए। प्याज डाल के तेल को मीडियम नहीं कर सकते आप, बिकॉज ऑलरेडी तेल ठंडा हो चुका है प्याज डालने के बाद, इतना पानी छोड़ा है तेल ने, उसके बाद आपने और मीडियम कर दिया, मतलब मीडियम का भी तेल जो है वो लो हो गया। राइट, स्टार्ट विद मीडियम हॉट ऑयल, पुट द अनियन, अपने आप वो मीडियम हो जाएगा प्याज के पानी की वजह से, और उसके बाद उसको मीडियम तेल में अपने आप तलते रहिए। धीरे धीरे तेल का टेम्परेचर ऊपर आएगा, प्याज अपने आप कलर पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि हम प्याज की शुगर्स को बढ़ा रहे हैं, कैरामलाइज कर रहे हैं, प्याज की मिठास को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज की नटीनेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने करते करते बता देता हूँ ना, सिर्फ मजाक ही थोड़ी ना करता हूँ मैं, सीरियस बातें भी कर लेता हूँ कभी कभी। ब्यूटिफुल, उसके बाद प्याज अपने आप रंग जो है वो पकड़ लेगा। क्यों?
क्योंकि प्याज का पानी ऑलरेडी खत्म हो चुका है और शुगर्स ऑलरेडी पकनी शुरू हो गई। ब्यूटीफुल, ये लीजिए बस, इससे ज़्यादा रंग नहीं देना। और सीधा मैं अपने मैरिनेशन में डाल रहा हूँ इसको, क्योंकि धनिया की डंडी हमने ऑलरेडी डाल दी है। थोड़ा धनिया का पत्ता भी डाल रहा हूँ मैं मैरिनेशन में। ब्यूटीफुल, शुरू शुरू में भले ना चलाएं प्याज, लेकिन जब पानी सूख जाए, प्याज ऊपर आ जाए, तब ज़रूर चलाएं, ताकि रंग जो है वो इवन आए, बराबर आए। ठीक है, ठीक है। तब हमें लग रहा था ना कि रंग कम है, अब देखिए रंग अपने आप आ गया ना, और एकदम ये क्रिस्पी है, पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसलिए धोखे में मत रहिए, रंग आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कढ़ाई में ज़्यादा रंग दे देंगे, बाद में जल जाएगा मामला। डन, सिंपल ईजी, नो रॉकेट साइंस, है कि नहीं। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो चिकन है ना, इसको ऐसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। सबसे पहले लीजिए तेल, ही नहीं यार तेल। एक तो ये मुगलई जो है ना, लोगों ने इस नाम के साथ इतनी बदतमीजी करी है, मतलब हर चीज़ जिसको समझ में ना आए वो बोलता है मुगलई। काजू पेस्ट पड़ा है मुगलई बोल दो, दही डाला है मुगलई बोल दो, पूरे बर्तन पे एक ही कलई, वैसे पूरे खाने पे एक ही मुगलई। एनीवेज, और थोड़ी कमी हो रही है तो ऊपर से क्रीम डाल दो, और किसी से पूछ लो ना कि अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हो गया मुगलई, एक बात बताओ ये चिकन शाहजहानी कैसे डिफरेंट है चिकन मुगलई से? तो किसे कोई जवाब नहीं होगा, वही शाहजहानी, वही जहांगीरी, वही अकबरी, वही नूरजहानी, वही सब चल रहा है। मुगलई की चादर में सबको ढक रखा है सब, भाई साहब वही प्रोग्राम। एनीवेज, दैट इज माय रैंट फॉर द डे। आते हैं चिकन पे। मकसद ये है कि तेल में खड़े मसाले की खुशबू निकल आए, क्योंकि खड़े मसाले में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि तेल में निकल आते हैं और फिर पूरे खाने में वो खुशबू चली आती है। सब बता दिया मैंने, छोड़ेंगे कुछ नहीं हम। बताइए, आधे आदमी की ग्रेवी थी इसमें। ये लो जी, ढक्कन लगाया। अब चाहे तो दो चार कोयले ऊपर डाल दीजिए और धीरे धीरे उसको पकने दीजिए। गैस स्लो रखिए, चाहे तो नीचे तवा लगा दीजिए। अगर आपका ये जो हांडी है आपकी, ये पतली है, ठीक है, मुगलई चिकन हांडी मतलब ये, ठीक है, वो जो भुना भुनी चल रही होती है उसको मुगलई चिकन भुना बोल सकते हैं आप। देखिए खींचा तानी चलती रहनी चाहिए, बाकी क्या, जैसे मैंने बोला मुगलई जो है वो रबर बैंड है, हर शेफ अपने तरीके से खींच रहा है, गुलेल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो खींचा तानी चलती रहनी चाहिए। मुगल चले गए, ये छोड़ गए। हाँ, ये आ गया घुमक्कड़। तो ये एक तो ये देसी मिक्सी, ये होनी चाहिए मम्मी दादी हमेशा खुश, और दूसरा ये मम्मी दादी को खुश करने के लिए, कुछ वेस्ट नहीं होता। ठीक है, घुमक्कड़ और ऐसा कुछ नाम सोच लीजिए अच्छा सा, लपेटू, सब कुछ लपेट लेता ना, घुमक्कड़ और लपेटू। ब्यूटिफुल, देखिए 50% मामला जो है वो पक चुका है, देख रहे हैं आप, तेल ऊपर आ गया है, 50% जो है वो पक चुका है, बाकी 50% को पकने देते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जिसको जितना वक्त लगता है उसको उतना वक्त लगता है। अर्थ क्या है, बहुत पुराना शेर है कि आदमी को इंसान बनने में और चिकन को कोरमा बनने में जो वक्त लगता है वो वक्त लगता है। अभी बनाया यूज़ कर लीजिए। आदमी तो सब पैदा होते हैं, इंसान बन पाते हैं कि नहीं वो बहुत ज़रूरी है। मॉरल स्टोरी है कि बार बार ढक्कन खोल के नहीं देखना कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो आपको बुला लेगा अपने आप। यहाँ पर कितना टाइम लगा मैं आपको बता दूंगा, 8:20 पर डाला है, 8, हाँ मतलब करीब 20 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, हो गया डन। अभी क्या करना है, मसाला मैंने आपको बोला था ना सिखाऊंगा, मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, मतलब मसाला आपको बताऊंगा, आप देखिए बड़ा मजे का मसाला है, हम कोई टीचर तो है नहीं, सिखाऊंगा। रणवीर भैया बड़े आदमी हो गए, सिखाऊंगा। ये थोड़ा पंजाबी टच है, लाहौरी मुगलई टच आ गया, बट डाल दीजिएगा। विम्सिकल होना बड़ा जरूरी, खाना बनाते समय सनकी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सनकी नहीं है, थोड़ा सा आपने नहीं किया ना, फिर खाने में अपनापन नहीं आएगा। इसे थोड़ी सी डाल दीजिए। हाँ, बोलेंगे क्या सिखा रहा है रणवीर, सनकी बनो। ब्यूटीफुल, क्या बात, देख रहे हैं आप क्या खूबसूरत चीज़ बनी है। अब साइड में थोड़ा पानी गर्म कर लेते हैं साहब, ये पैन की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा पानी गर्म कर लिया,
पानी मैंने पहले क्यों नहीं डाला? पानी मैंने पहले इसलिए नहीं डाला ताकि मसाले, चिकन, दही बराबर भुन जाए। जब तक उनका कच्चापन खत्म नहीं होगा हम उसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। मुद्दे की बात यह है कि भुनाई जो है वो तेल की दोस्त है, ठीक है, और उबलना जो है वो पानी का दोस्त है। इसलिए अगर भुनाई का प्रोग्राम करें तो पानी कम डालें, और उबलने का प्रोग्राम करें तो ऑब्वियसली तेल यानी कम डालें। सिंपल फंक्शंस अलग अलग। भुनाई इज़ अ फंक्शन ऑफ फैट एंड बॉइलिंग एंड ब्रेजिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लिक्विड। कितनी अंग्रेजी सीख गया हूँ देखिए आप। अगर हमारे अंग्रेजी वाले टीचर देख रहे होंगे बोल रहे होंगे वाह रणवीर तुमने हमें बुढ़ापे में जाके खुश किया, लेकिन खुश तो किया, सीख तो गए थे। भुनाई होगी कैसे पता चलेगा? एक बार गैस तेज़ करिए और बराबर से, अगर दही का कच्चापन नहीं आ रहा है, बराबर से अगर मसालों का फ्लेवर आ रहा है तो इसका मतलब भुनाई जो है वो हो गई है, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया मामला। अब देखिए इसमें मैंने काजू पेस्ट नहीं डाला, क्रीम नहीं डाली, कलर बराबर है, थिकनेस बराबर है, आप देख लीजिए खुद ही, कौनो चीटिंग नहीं है इसमें। फिर भी अगर आप इसकी ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर गर्म पानी डाल के थोड़ा काजू पेस्ट डाल दीजिए, अगर आप इसकी ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ ताकि अपनी ग्रेवी की जो थिकनेस है वो सही हो जाए। बस बस गर्म पानी डालने से थोड़ा सा भी, मतलब कोशिश ये करें ग्रेवी में गर्म पानी डालें। मैं कई बार ठंडा पानी डाल देता हूँ, अगर क्वांटिटी कम ऐड कर रहे हैं तो ठंडा पानी डाल लीजिए, लेकिन अगर अच्छी खासी क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो गर्म पानी डालिए। क्या है कि एकदम से आप ठंडा पानी डालेंगे पकी हुई चीज़ पे तो उसके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो दब जाएंगे, वो आप नहीं चाहते। क्या बात है साहब, रंग देखिए, रोगन देखिए, थोड़ा सा और, ठीक है। अपना फ़ायदा क्या हो गया? हाँ, दूसरा पानी का इस्तेमाल कब करें? जब दही आपकी बहुत खट्टी हो। अगर आपको लग रहा है ग्रेवी बहुत खट्टी हो रही है तो पानी डाल के बढ़ा लें, फिर काजू पेस्ट डाल लें। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो फिर मतलब आज आपकी लॉटरी लगी हुई है टाइप्स। नमक भैया, गार्निश के लिए थोड़ा बहुत, मतलब मुगलों की इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत हम डाल देते हैं बादाम। एक्चुअली मुगलों की नहीं, मुगलई नाम की इज्जत बचाने के लिए। बस टोस्टेड आमंड। अब आपको दिखाते हैं हमारा मुगलिया चिकन जो हो चुका है एकदम रेडी, रेडी स्टडी गो। ये देखिए गाढ़ापन वाढ़ापन सब है इसमें। ये लास्ट में आप इसे क्या बोलते हैं, मुगलई मसाला जो भी बोलते हैं वो बोल लीजिए और डाल दीजिए। याद रखिए मसाले में नमक है, हाँ, मुगलिया खुशबू का मसाला। दूसरा नमक डालने का फ़ायदा पता है क्या होता है कि जब आप मसाला ग्रेवी में डालते हैं ना, तो दूसरा नमक डालने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप मसाला ग्रेवी में डालते हैं वो लंप्स नहीं बनाता, क्योंकि नमक की वजह से मसाला फैल जाता है, गांठें नहीं बनाता। ब्यूटीफुल। मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था इसलिए मसाला डाल के बस एक बॉयल देना है और ढक्कन कर देना है, नहीं ढक्कन नहीं, गैस कर देनी है बंद। ओए होए होए, अरे हो गई हांडी। देखो जी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। हींग फिटकरी क्यों नहीं लगी? क्योंकि आपने मैरिनेट किया, ढक्कन लगाया और उसके बाद भूल गए आप, और लास्ट में बस निकाला और निकाल के ऊपर थोड़ा मसाला वसाला डाला, हो गया है। तो डिश जो है वो बनने में टेस्टी और बनाने में सिंपल होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। वरना तो फिर जैसे हम शेफ लोग डराते रहते वैसे डराते रहेंगे कोई ना कोई। देखिए बढ़िया, एकदम थिक एंड नाइस ग्रेवी बनी हुई है। इसमें चाहे तो लास्ट में हल्का सा केवड़ा डाल सकते हैं आप, उससे जो है थोड़ा सा खुशबू और बढ़ जाएगी। बट अगर खुशबू का मसाला है तो केवड़ा मत डालिए, क्योंकि मसालों से खुशबू आ जाएगी। लेकिन अगर आप घर का गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं तो एक ड्रॉप केवड़ा डाल लीजिए। इसका जो मज़ा है ना, वो मज़ा जो है लेग पीस में ही है। चिकन टंगड़ी और चिकन थाई लें, असली मज़ा उसी का है। वाह भाई वाह, प्रॉपर रॉयल तरीके से खाएंगे हम भी। देखिए क्या फर्स्ट क्लास पका है, देख रहे हैं आप। धीमी आँच पे ना, लंबे समय तक पकने से एक तो चिकन सॉफ्ट हो गया, दूसरा सारे मसाले जो हैं उनका तालमेल मेलजोल आपस में बैठ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितनी धीमी आँच उतना टेस्टी चिकन, बाकी गॉड इज ग्रेट। क्या होता है अंग्रेजी में, फॉलिंग ऑफ द बोन। थैंक यू वेरी मच, बनाइएगा जरूर।